भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समिति शिवानी। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के 102 एम्बुलेंस सेवा के कर्मियों ने गर्दनीबाग धरना स्थल पर पिछले दो दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 102 एम्बुलेंस सेवा के कर्मियों का आरोप है कि बिहार सरकार में जो न्यूनतम मजदूरी दर तय किया गया है, कंपनियों ने उस न्यूनतम मजदूरी दर को 102 एम्बुलेंस सेवा कर्मियों के लिए लागू नहीं किया है। साथ ही उनका कहना है कि जो कर्मचारी हमारे एम्बुलेंस में काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हिटलरशाही रवैया अपनाया जाता है और जबरन बिना किसी गलती के उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। बता दें कि 102 एम्बुलेंस सेवा के कर्मियों ने सरकार को इस समस्या का समाधान करने के लिए 72 घंटे का समय दिया है। बिहार एम्बुलेंस सेवा के प्रदेश अध्यक्ष सोनू कुमार का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो बिहार के 38 जिलों के सभी एम्बुलेंस कर्मी स्ट्राइक पर जाएंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी बिहार सरकार की होगी। एक सौ दो एम्बुलेंस जो है 27 तारीख से जो हमारा आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, हमारा मुख्य मांग है कि बिहार सरकार के द्वारा जो 102 एम्बुलेंस का न्यूनतम मजदूरी दर तय किया गया है, उस न्यूनतम मजदूरी को 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों पर अविलंब लागू करना होगा। दूसरा कि जो भी कर्मचारी हमारे अभी तक एम्बुलेंस में काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हिटलर शाही जो सम्मान फाउंडेशन है, PDPL कंपनी है, उनको जबरन नौकरी से निकाल रही है बिना किसी गलती के कारण, इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाया है। इसका विपत्र ED साहब के द्वारा 1142 लेटर भी आया है कि अगर संस्था कंपनी के द्वारा अगर श्रम अधिनियम का पालन नहीं किया जाता है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन आज तक 22/5/2018 से ये पत्र लागू हुआ है, सरकार का आदेश, अभी तक इसका पालन नहीं हुआ है। हमने एम्बुलेंस का स्ट्राइक पटना जिला के 102 एम्बुलेंस का इसलिए किया है, जब तक श्रम अधिनियम कानून अविलंब लागू नहीं होगा तब तक 102 एम्बुलेंस पटना जिला के स्ट्राइक पर रहेगा। हमने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि 72 घंटे में आप 102 एम्बुलेंस की न्यूनतम मजदूरी को लागू करें, नहीं तो पूरा 38 जिला बिहार का एम्बुलेंस स्ट्राइक पर जाएगा। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की होगी और PDPL सम्मान फाउंडेशन की। मैं सोनू कुमार, प्रदेश अध्यक्ष 102 एम्बुलेंस बिहार। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ भारत। धन्यवाद।